हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को हमारी तरफ से और हमारे एक और ब्लॉग में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ मंदिर पे चूगा फैलाने के लिए। मैंने ले लिया है बाजरे का चूगा और मैं फैलाने जा रहा हूँ अभी माता रानी के वहाँ पे। इसमें फाइनली चूगा डाल के आ चुका हूँ मंदिर पे। फाइनली हम खा रहे हैं खिचड़ी बाजरे की। देखिए जी जी ने बनाई थी और इधर आरू को खिला रहा हूँ आरू। तो गाइस फाइनली मैं ना लिया हूँ क्योंकि लाइट आज बहुत लेट आई है। कम से कम 12 बजे लाइट आई थी और सब लोग वैसे ही नहाके गए हैं गर्म पानी में, लेकिन मैं गर्म पानी में नहाया। तो गाइस मैं फाइनली अब घर से निकल गया हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे भगवान पे जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे परित भगवान पे भैरव भगवान पे यहाँ पे सोमणी है, हमारे परिवार में है, उन्होंने की है सोमणी, तो आज प्रोग्राम है वहाँ पे, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मंदिरों पर प्रसाद चढ़ा। देखो मैं फाइनली तैयार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ बारात में। आज मैंने सोचा कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और आरू जब भी मैं करता हूँ देखो बाय बाय करता रहता है ये देखो। और गाइस इतना शैतान है कि बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता। पिट्टू तो चलो पहनने लग गए, ये नहीं पहनता, किसी की सुनता नहीं है, खोल देता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो गाइस मैं बारात में जा रहा हूँ, आज भूर पहाड़ी गाँव पड़ता है उसमें, तो अभी आने वाले हैं उधर से अलवर से, तो मैं यहीं से बैठूंगा कोटे नारायणपुर से, यहाँ से तो वहाँ से आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो मैं तैयार हो चुका हूँ फाइनली, तो अब देख ही चुका है कि मैं तैयार हो गया हूँ। और कविता आ गई है उनके साथ, बारात के साथ बैठ के बस में आ रही है, वो यहाँ उतरेगी तो भाई साहब हमारे पापा जी उनको लेने जाएंगे तो वो आ जाएंगी। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कोटे नारायणपुर कांदोली बाईपास पे, तो अब देखना यहाँ पे अब गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाली है। यहाँ 6 बज गए हैं, मुझे बहुत देर हो गई वेट करते करते, लेकिन अभी आए नहीं है, कह रहे 10 मिनट में आने वाले हैं, तो मैं 10 मिनट और वेट करूंगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारात में भूर पहाड़ी गांव में, तो ये हमारे भाई है। तो गाइस फाइनली देखो हम आ गए हैं और यहाँ पटाखे की लड़िया शुरू हो गई। गाइस देखे यहाँ पर वेलकम हो गया है बारात का और मनोज ने पटाखे लगा दिए हैं और देखते हैं। और ये देखिए, ये देखो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। अरे इसमें कुछ चल तो रहे नहीं है, तो वैसे ही वाले हैं। ये देखो गाइस, तो गाइस फाइनली देखो हम पहुंच चुके हैं और बारात का यहाँ पर स्वागत के लिए आ गए हैं। देखिए प्रेजेंटिंग बाई रिस्क मामराज स्टूडियो डायरेक्टर बाई। तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है यहाँ पे, और ये हमको 50 रुपए कितनी 40 मिली है, पागल बनाया, 40 रुपए विदा मिली है, तो 40 रुपए और अब हम ना। तो गाइस देखिए हमारी बारात आई है, इधर ये बैठी है 4-5 औरतें। बंद हो चुका है क्योंकि कुछ मिस्टेक आ गई है, तो सारी पार्टी डीजे के लिए बहुत ही उत्साहित हो रही है। आप देखें यहाँ पे सब लोग नाचने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
तो गाइस आप देख रहे हैं क्योंकि हमारा अभी तक डीजे सही नहीं हो पाया है, वो भाई कह रहे हैं दूसरी मशीन लेने के लिए गए। भाई कितनी देर में हो जाएगा अपना काम? 5 मिनट भाई साहब, अपना काम 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए मेरे साथ इन्होंने क्या कर दिया है। ये सो रहे हैं सबके संदेह, कोई तक उसे पड़ी है पिट्टू वो सो रही, कोई तक ये पड़ी है। तो गाइस शादी से तो आ गया, फुल एंजॉय हमने किया है और बच्चे सो रहे हैं और अभी टाइम हो गया, कम से कम 1 बज गए हैं। ठीक है गाइस, तो बाय बाय सभी को हमारी तरफ से। तो गाइस हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और